हेलो गाइस, तो हम लोग काफी देर पहले उठ चुके हैं, काफी सारे काम भी खत्म कर लिए हैं एंड खाना वाना भी खा लिया है। अभी हम घर से निकले हैं क्योंकि हमको जाना है डर्मिट। देखो मैं ना अभी भी पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरी नवरात्रि के नींदों वाली है ना, नींद रिकवरी आधी हो चुकी है आधी बाकी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हो चुकी है पर नहीं हुई है। जब काम करने बैठता हूँ या कुछ एडिट करने के लिए मैं चेक करने बैठता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार नींद आ रही है बीच बीच में। आज पता है एडिट करते करते मैं थोड़ी देर सो गया था यार, मेरी तो गंदी वाली बजी थी पड़ी है कहीं नहीं, तो लग रहा है इस बार की नवरात्रि की है मजे। और हाँ देखो गाड़ी में पंचर अभी भी वैसा का वैसा ही है, अभी तो 18 प्रेशर हो गया है। तो सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं पंचर ठीक करवा लूँ, पर यार यहाँ पर ब्रिज व्रिज बन रहा है ना, तो पता नहीं थोड़ा सा गाड़ी खड़ी रखने में इशू होगा, पर करवाना तो पड़ेगा। और ऊपर से हमको 5:45 को पहुँचने का है, तो उसके पहले मुझे टफन भी तलवाने का, क्योंकि मेरे मोबाइल का टफन टूट चुका है पूरी तरह से। तो यहाँ पर होपफुली पंचर वाला पंचर ठीक कर दे, भाई पेट्रोल नहीं डलवाना मेरे को, सॉरी। पर यहाँ से गली से इधर निकाल रहा हूँ मैं, पंचर वाले भैया है या नहीं है, ये लो कभी छुट्टी नहीं रखने वाला बंदा, आज ही छुट्टी पे जब मुझे पंचर ठीक करवाना है। ये सही है, टाइमिंग ही गजब है। अब यार यहाँ पे मैं ये रास्ते पे तो ले ली है, प्रॉब्लम ये है कि इस रास्ते पे यहाँ से आगे निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। यार यहाँ पर एक और जगह पे आए और वो बोल रहे 20-25 मिनट वेट करो, बोलो यहाँ पे एक दो गाड़ी है पर पता नहीं उनका कुछ दो काम एक साथ चल रहा है, तो वो बोल रहे और भी टाइम लगेगा। मैंने बोला यार इतना टाइम तो नहीं है, क्योंकि हमको एक जगह पहुँचना भी है और एक जगह पे मेरे को जैसे मैंने बोला टफन डलवाना है, यहाँ 20 मिनट बैठने से बेटर है। मैंने बोला इतना हवा का प्रेशर कम नहीं है और मेरे पास एयर पंप पड़ा है, तो मैं हवा डलवा दूंगा फिर उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। देखो दूसरे मोबाइल से शूट करके बता रहा है मेरे टफन की हालत, देखो भाई नवरात्रि में इससे सीधा सीधा गिरा था ये। तो फिर से हम आ चुके हैं सुपर मोबाइल में, देखो फिर से टफन टूट गया मेरा कर दो। तो जुप से निकल चुके हैं और मम्मी का एक केबल बिगड़ गया था, तो वो केबल लिया है, और दूसरा मेरा C2C केबल लिया है, क्योंकि जो मैंने पहले केबल लिया था पता नहीं कवर की वजह से ना वो अंदर नहीं जाता है, मतलब वो साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो वो पता नहीं हमेशा जब भी उसमें चार्जिंग में लगाना होता है ना वो बार बार कवर निकालना पड़ता है और बार बार कवर लगाना पड़ता है। और ये देखो शुरू हो गई गाड़ी में बैठते हर लड़की के नखरे वाली सेम लगा रही। चलो चलते हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ से डर्मिट। भाई यहाँ पे तो पहुंच गए, यहाँ पे पार्किंग पूरा फुल है, हमने ना वेले गाड़ी में दे दी है, मतलब वेले पार्किंग में दे दी है, वेले गाड़ी बोल रहा हूँ मैं। और हम पहुंच चुके डर्मिट, पर पहले नीचे थोड़ा खा के जाएंगे, भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो मना करते करते अंकिता को मैंने जबरदस्ती बिठा दिया है ना तो ये मेरा हमेशा का ऑर्डर है, कॉफी विद रोज पिस्टैचियो वाली केक स्लाइस, और ये मार्बल वाला कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हम लोग, इसने भी कॉफी मंगाई है, ठूस ले अब चल। वैसे बोला बहुत ज्यादा लो लाइट लग रही है इधर, आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी अंधेरा नहीं लग रहा है, हम लोग टाइम टू टाइम पहुँच रहे हैं, मतलब 5-7 मिनट लेट हो गए नीचे खाने की वजह से, पर खाने में ज्यादा मजा आई। चलो पहुँच गए, ओ भाई आज तो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, ये पूरा फुल है आज, पर ऐसे टाइम पे अपने लेट आ रहे हैं। हेलो कैसे हो? तो सबसे पहले अंकिता की ट्रीटमेंट चालू हो रही है, ट्रीटमेंट को बोलते क्या वैसे? क्लींसर मसाज, ओहो ये सो जाएगी तो सो जाएगी ना। अच्छा ये वो है ना अल्कोहल स्वैब, जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा स्मेल आएगा, मुझे पता चल गया ये थोड़ा वो चढ़चढ़ भी होगा और स्मेल खतरनाक आने वाली है। और लड़कियां आती है वो तो करके कुछ ना कुछ तो लगाती है, एट द एंड कुछ तो लगाएगी। कसम से एलियन लग रही है, मजाक नहीं कर रहा सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ द एलियन। ओके गाइस, तो इसकी लेजर ट्रीटमेंट चालू हो चुकी है और इसने इसका वीडियो आ सके इसलिए मेरा अटका के रखा हुआ है, बोले नहीं पहले मेरा वीडियो लेगा फिर ही जाएगा। तो और खुद एलियन बनी बैठी है, देखो आधी मेंढक का आधी कछुआ पता नहीं क्या लग रही है। ओके गाइस, तो अभी मेरा सेशन चालू हो चुका है। पूछा है उसके स्किन ऑयली है,
पहले तो ठीक से बोले, लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या बोल रही हूँ। ठीक से बोल रही हूँ, हाँ से मिला बोल पहले। हिरन को पूछा कि आपकी स्किन ऑयली है, हिरन मुझे पूछता है कि मेरी स्किन ऑयली है। मुझे नहीं पता। नहीं मुझे लगता नहीं रहा ऑयली। नॉर्मल स्किन नॉर्मल आज आज आप सुन लीजिए, नॉर्मल टू ऑयली चलता रहेगा, नॉर्मल टू ऑयली चलता बंद करो उसको। मैंने बोला उनको ही पूछा मुझे कुछ नहीं करूंगा। अरे मैंने शायद नहीं, मैंने शायद एक बार है ना वहाँ पे भी कर रहा है। अरे सुन लो मेरी भी बात, अब मैं बोलूं, मैं अभी थोड़ी देर सोचूंगा, मैं कौन सी गाली तू मेरे को बाद में देना। बात तू तू शांति रख, मैंने थंबनेल लिया है, उसके बाद में दिखाऊंगा तेरे को। ज्यादा पेन नहीं हो रहा ना? नहीं टॉलरेबल है। कितना कचरा निकला ही रह गया। ओके गाइस, तो हमारी हो चुकी है ट्रीटमेंट डन। अंकिता दिखा तेरी शक्ल। ये मेरी शक्ल। और ये मेरी शक्ल देखो गाइस, सच में कमेंट करना मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। यार गाड़ी नहीं मिल रही मेरे को यार, वो चाबी तो देके चले गए, गाड़ी किधर रखी है? अरे वो रे वो रे, मिल गए मिल गए मिल गए। मैं यहाँ गाड़ी ढूंढ रहा था और ये देखो अंकिता इस वाली शॉप में चले गए। मेरे को पता ही नहीं चला पहले, तो मैंने कुछ बोला था चिल्ला के, मैं सुना नहीं था। ये रे चलो। ओके गाइस, तो हम लोग घर पे आ चुके थे, घर पे आके खाना वाना भी खा लिया था, फिर काफ़ी कुछ मतलब बैठे और काफ़ी कुछ काम था वो निपटाया। और पता है मैं अभी ब्लॉग एडिट करने बैठा था जैसे आपने देखा, और अब भूल गया कि भाई मैंने ब्लॉग की तो एंड तो की नहीं, और उसके आगे मैंने कुछ ब्लॉग भी नहीं किया था क्योंकि घर पे आके मम्मी से बात कर रहा था और काफ़ी चीज़ें मतलब कुछ टॉपिक्स पर बात चल रही थी घर के रिलेटेड भी और उसके अलावा। और मैंने बोला अरे यार अब इसका क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं व्लॉग का एंडिंग। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट, और हाँ बाकी की चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लेना। इंडिया और इंग्लैंड की मैच है आज, तो आप नीचे कमेंट बताना कि क्या लगता है कितने भड़ाके से और कितने तड़ाके से अपने जीतने वाले। कमेंट करना। जय हिंद।